हेलो गाइस, मैं सूरज रास और आज आपके नए वीडियो के साथ आए दोस्तों। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। क्यों गुड न्यूज़? ये है, देखिए 3 तारीख की अपडेट की बात करने वाला हूँ। और यहाँ एक आपकी साइट है, उस साइट पे आपको एक चीज़ और अपलोड कर दी गई है, वो क्या है? ऑनलाइन स्टडी की सुविधा। जी हाँ, ऑनलाइन स्टडी आप कर सकते हैं, नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, PPT डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ। मतलब कि जो PPT का मतलब होता है, जो पावर मतलब कि जो पावर पॉइंट कहते हैं ना, पावर पॉइंट, ठीक है ना, जिसमें खोलते हैं पावर पॉइंट में, PPT कहलाता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट लैपटॉप में खुलता है, आप जानते हैं, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। PPT देखिए, फाइल PPT फाइल जो होती है वो लैपटॉप में ओपन होती है, तो वो उस चीज़ को देखिए, तो यहाँ वो आपको मिल जाएगी सारी की सारी, आपको सब कुछ मिलने वाला है यहाँ। क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी ने काफ़ी कुछ, क्योंकि आगरा बड़े पड़ेगा तभी तो बढ़ेगा ना, तो वो उन्होंने नारा भी दिया है, आपको पता होगा। तो मैं यहाँ सब कुछ जानकारी दूंगा, तो देखते हैं क्या क्या है आज की गुड न्यूज़। और न्यूज़ अच्छी लगे आपको तो एक लाइक कर देना है, क्योंकि देखिए आपको स्टडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है या किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई अपडेट आती है, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर आपको अपलोड कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि यार आपको सबसे पहले न्यूज़ देना हमारा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है ना। आप देखिए गलत न्यूज़ ना दें, केवल राइट न्यूज़ लें। तो आपको इस प्रकार का एक साइट पे लोगो दिखाई देता होगा, देखिए इस प्रकार का, किसी भी आप कोई से ब्राउज़र पे आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ देखिए पहले इसको जो अपडेट आई है 3 तारीख की, तो 3 मार्च की जो अप्रैल की, तीन अप्रैल की जो अपडेट है मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है ना। तो देखिए जो आप तो पता है, जो जो COVID-19 के महामारी के कारण संपूर्ण देश में जो लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालय की पढ़ाई है, शिक्षा है, उसमें बंधित हुआ है, ठीक है ना, बहुत बड़ी कमी आई है। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को हो रही जो असुविधाओं को दूर करने के लिए, ठीक है ना, उद्देश्य से दूर करने के उद्देश्य से क्या हुआ कि विश्वविद्यालय द्वारा क्या है, शासन है या उनका आदेश के क्रम के साथ ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, आपको ऑनलाइन शिक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ मैं आपको पूरी अपडेट देने वाला हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, कैसे पढ़ना है वो पूरी जानकारी दूंगा, लास्ट तक बने रही है। देखिए आपको बहुत सारे के लोगों के माइंड में एक ही सवाल आता होगा कि मेरा एग्ज़ाम हो गया या नहीं। यार एग्ज़ाम की तो कोई अपडेट ही नहीं है, मैं एग्ज़ाम नहीं होगा देखिए ये भी नहीं कह सकता और होगा ये भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है कोरोना वायरस से क्या हुआ है, आज कितने 29, मतलब कि 2900 कुछ पहुंच गए, मतलब कि 400 प्लस हुए हैं कल से, 400 प्लस, 400 लोग प्लस पहुंच गए, ठीक है ना, बीमार 400 प्लस हो गए। मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा कोरोना वायरस से रिलेटेड, ठीक है ना, कितने की डेथ हुई है, 3 की डेथ हुई है कल से, 3 की डेथ हो चुकी है, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, 400 प्लस केस पहुँच गए आज, ठीक है ना। और देखिए कल की और आज की अपडेट दोनों दूंगा, ठीक है ना, कल कितने थे आज कितने पहुंच गए पूरी दिखाने वाला हूँ आपको, लास्ट तक वीडियो बने रही है, ठीक है ना। तो पहले ये जानकारी देते हैं, उसके बाद में जो आपका जो कोरोना वायरस है वो उसमें कितने ग्रसित लोग हुए हैं पूरे भारत में उसकी जानकारी दूंगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद कह रहा है कि विश्वविद्यालय के जो नवोदित राजकीय जो महाविद्यालय हैं उनके जो शिक्षक हैं, तो शिक्षक को जानते ही हो, जो जो टीचर हैं उन्होंने विश्वविद्यालय के आदेश कर टीचर कोड जो पूर्ण है उसे प्राप्त कर रखा है। कुछ कुछ टीचर ने पहले से ही विश्व जो यूनिवर्सिटी का कोड था, टीचर कोड था, वो प्राप्त कर रखा है। और किसी ने नहीं किया है तो उनको क्या था, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड उनको भेज दिया गया है, उन टीचरों के फ़ोन नंबर पर, मोबाइल नंबर पर यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है। उसके माध्यम से उपरोक्त सभी शिक्षक हैं जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट, जितने भी शिक्षक हैं वो वहाँ, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी की जो साइट है www.dvrau.org.in पर उपलब्ध, एक उनने एक साइट खोली है, एक जो पोर्टल होता है वो खोला है, ई लर्निंग। ई लर्निंग मतलब कि पढ़ना, ठीक है ना। तो ई लर्निंग, तो उसके माध्यम से अपनी लॉगिन आईडी और जाकर उनमें संबंधित विषय क्लिक करके, ठीक है ना, उनके विषय मतलब आप जिस विषय से पढ़ा टीचर हैं उस विषय पर क्लिक करके ऑनलाइन पाठ्य सामग्री, मतलब कि पाठ्य सामग्री मतलब PPT, जैसे अपने ODP मतलब PT कहते नहीं कहते PDF दे दीजिए, PDF दे दीजिए सर, तो PDF फाइल की तरह ही होती है हमारी PPT फाइल, ठीक है ना। तो PPT फाइल और वीडियो आदि को अपलोड कर सकते हैं, वीडियो को, PPT फाइल या PDF को उस वेबसाइट पर ये जो टीचर लोग हैं वो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। आप फिर उसके बाद में क्या होगा कर सकते हैं, संबंधित जो विषय के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं जिस विषय के संबंधित हैं, वो अपने ई ई कॉन्टेंट लिखवा है, लिंक है, उस लिंक पर टच करके, ठीक है,
पाठ्यक्रम संबंधित जो विषय है उसमें सामग्री को डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है ना। वो अपने जो सामग्री है उनको जो चाहिए जिस विषय से वो स्टडी कर रहे हैं उस विषय के PDF को डाउनलोड कर सकेंगे आसान पूर्वक, ठीक है ना। तो ये यहाँ उन्होंने बताया गया था, आजकल की न्यूज़ थी, ठीक है ना। 3 तारीख की आप जानते हैं, 3 ठीक है ना दोस्तों, 3 तारीख की अपडेट थी, मैं आपको पूरा दिखा दिया। तो आपको मुझे लगता है आपको वीडियो तो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, लेकिन आज मैं अब दिखाने वाला हूँ इस कोड को किस प्रकार से हम फॉलो करेंगे। तो चलते हैं इसकी वेबसाइट पर, कौन सी, आगरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। तो ये वाली वेबसाइट को खोल लेते हैं, www.dvaurg.in, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ। जैसे ही आप किसी भी क्रोम वगैरह ब्राउजर पर आप ये चीज़ को खोलेंगे, www.dvaurg.in पर जाएंगे तो नीचे आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। उसके बाद में ये साइट खुलेगी आपकी, ये वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। तो नीचे जाएंगे और थोड़े से नीचे जाने के बाद में आपको ये चीज़ दिखाना है। देखिए चौथे पड़ेगा और देखिए चतुर्थ पड़ेगा आगरा बढ़ेगा। आगरा कार्यक्रम 3 बजे, देखिए 3 अप्रैल की बात कर रहा था, 3 अप्रैल 2020 में प्रातः 11 बजे से साढ़े मतलब 11:45 तक घर, देखिए कह रहा है 11 से 11:45 तक, ठीक है ना, घर पर अकेले किसी एक किताब को पढ़े, किसी एक किताब को पढ़े। ध्यान रखें कि घर में ही रहें और किसी समूह में शामिल नहीं होना है, किसी समूह मतलब कि किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना है, 4 लोगों 5 लोगों के बीच में नहीं बैठना, अकेले बैठना है। तो कह रहा है और व्हाट्सअप नंबर इतने, देखिए ये जो व्हाट्सअप नंबर दिखा रहा है 7895906656 पर पढ़े, आगरा बढ़े, ठीक है ना। आगरा देखिए कह रहा है आगरा बढ़े, आगरा पर खुद को एक सेल्फी खींच कर भेज दीजिए। इस व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर जब आप पढ़ते हो तो आपको एक सेल्फी खींच कर भेज देनी है और फिर उसके बाद में आगरा वेबसाइट पर वो लोग दिखाएंगे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं घर बैठे ही। तो ये बहुत सारी गुड न्यूज़ थी मैंने आपको जो अपलोड कराई है आज की। और देखिए उसके बाद मैंने कहा था आपको इस प्रकार का ये चीज़ इंपॉर्टेंट दिखाई देगा, ई जो कॉन्टेंट्स हैं आपको यहाँ टच करना है, आपको जो सिलेबस स्टूडेंट है वो यहाँ टच करेंगे और जो टीचर लोग हैं वो अपलोड करने के लिए यहाँ टच करेंगे इस बार पे, ठीक है ना। तो हम लोग टीचर हैं, एक्चुअली जो टीचर होते हैं वो टीचर वाले पे लिंक पे टच करेंगे और जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट वाले पे, ठीक है ना। उसके बाद में यहां टच करने के बाद में आपको देखिए क्या देखने वाला है, देखिए ये टच करूंगा तो देखिए जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट की साइट खुलेगी और ये देखिए ये सारे लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने सिलेबस से रिलेटेड जो लिंक है आप उन पर डाउनलोड करके सिंपली पढ़ सकते हैं और वहाँ PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ई पाठशाला देखो, यहाँ देखो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया, जो भी आपके सिलेबस हैं उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब जो टीचर लोग हैं वो क्या करेंगे मैं आपको बता दूँ, जो टीचर लोग हैं वो यहाँ नीचे जाएंगे और यहाँ टच करेंगे, टच करने के बाद में देखो उनके लिए ये चीज़ खोलेगा, देखिए वो कौन से कोर्स से रिलेटेड हैं, वे कौन सा कोर्स पढ़ाते हैं, तो यहाँ वो कोर्स चूज कर लेंगे। जो भी हमारा BA LLB है, BA LL मतलब कि उनके लिए, BCOM के लिए, ECOM के लिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए BDS सेकेंड सेमेस्टर मतलब जितने भी, यहाँ देखो BEd के लिए, अभी जो क्लास BSc के लिए कोई क्लास नहीं है, BSc के लिए देखिए AG वालों के लिए क्लास चल रही है 3rd, 7th, 4th, ठीक है ना, AG वालों के लिए, BSc हॉनर्स के वाले, नर्सिंग के वाले के लिए, लेकिन जनरल BSc के लिए अभी तक कोई यहाँ क्लासेस नहीं दी गई है, ठीक है ना। जैसे भी कोई यहाँ अपडेट आती है मैं आपको सबसे पहले अपडेशन करा दूंगा। MSc वालों के लिए MSc हिंदी, MSc सोशलॉजी, MA BA BA, ठीक है ना। यहाँ देखो देखिए MBBS फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ठीक है ना, नहीं आपको सिलेबस मिलने वाले हैं थोड़े ही दिनों में, बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो आपको मैं मान लेता हूँ कि मैं MSc का, देखिए मैं MSc का टीचर हूँ, ठीक है ना, मान लेता हूँ मैं MSc का टीचर हूँ, तो या MA का टीचर हूँ, कोई भी मान लेता हूँ, ठीक है ना। जो भी टीचर हैं आप उस पर टच कर लीजिए, आपको जो भी सिलेबस जो भी सब्जेक्ट डालना है, मैं मानता हूँ कि हॉनर्स का मैं टीचर हूँ या AG का टीचर हूँ फर्स्ट थर्ड ईयर का, टच करूँगा। और इसके बाद में देखिए कह रहे हैं आप कौन से सेमेस्टर, ईयरली है सेमेस्ट्री है, कौन से सेमेस्टर हैं आप, ईयरली हैं सेमेस्टर, तो मैं सेमेस्टर वाई हूँ या ईयरली वाई हूँ, तो ईयरली वाई लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप कौन से, यहाँ कह रहा है सब्जेक्ट आप कौन सा डालना चाहते हैं, ईयरली वाई तो कोई होता नहीं, तो यहाँ देखिए यहाँ अनटेस्टेड पर टच करूंगा और यहाँ देखिए यहाँ कुछ खुलेगा। उसके बाद में आप देखिए यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन स्टूडेंट कैटेगरी जो भी है आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ देखिए सेंट्रल्स जो भी है मैं चूज कर लेता हूँ और फिर अपने हिसाब से यहाँ देखिए अब यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगने का, जो टीचर होते हैं उनके नंबर पर यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया, उसके बाद लॉगिन करेंगे वो खुल जाएगा और वो अपने PDF को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जान सकते हैं पूरी जानकारी मैं दी। अब चलते हैं कोरोना वायरस को देख लेते हैं कि आपके एग्जाम होंगे।
तो दोस्तों देख लेते हैं कोरोना की कल की अपडेट क्या है। 3 तारीख की, तो 3 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। देखिए अपडेट्स की बात कर रहा हूँ, 3 अप्रैल 6 बजे की बात कर रहा हूँ पीएम की। तो आप देख सकते हैं हेल्थ पूरा क्या है। तो यहाँ देखिए डेथ के बारे में दे रखा है, टोटल इंडिया में कितने केस हुए हैं वो बताने वाला हूँ। 2547 थे 3 तारीख को, कितने 6 बजे की बात कर रहा हूँ, 3 तारीख को 6 बजे तक जो केस हुए थे, देखिए 3 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, तो कितने थे 2547। डेथ कितनी हो चुकी थी भाई, 42, एक्चुअली 62 की, मतलब कि 62 की हो चुकी थी। टोटल जो केस आए थे कल पूरे इंडिया के अंदर वो आए थे 163, ठीक है ना। तो देखिए आपको महाराष्ट्र की बात करूँ तो 16 की देखिए मृत्यु हो चुकी थी, 42 केस आए थे कल, टोटल कितने थे, टोटल 335 थे, 302 तमिलनाडु में, देखिए 6 केस आए थे कल, 1 की मौत हो चुकी थी। यहाँ देखिए केरला में देख लीजिए, मैं आपको यहाँ दिल्ली की बात करूँ तो आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो 172 केस थे, 14 केस कल आए थे 3 तारीख को, उसके बाद में 2 की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन आज है 14, एक्चुअली आज है 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल की अपडेट दिखा देता हूँ कितनी टोटल आ चुके हैं। देखिए ये बात करने वाला हूँ, देखिए वी यहाँ देखिए बोल रहा है बिफोर लॉकडाउन एंड 11 डेज, 11 डेज के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है उसकी यहाँ पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको देखते हैं आज है, मतलब कि जो लॉकडाउन के बाद की जो पूरी डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ कि 2547 से 3 तारीख को, 3 अप्रैल की अपडेट है। आप देखते हैं 4 अप्रैल की डेट अपडेट क्या है। तो याद रखना टोटल कितने थे भाई, टोटल थे कितने 2547, 163 और 62, ठीक है ना, याद रखना। चलो चलते हैं, तो दोस्तों थे देखते हैं 10 दिन, अभी अब हमें 10 दिन के लिए लॉकडाउन रह गया है, अभी तो नहीं है 10 दिन लॉकडाउन रह गया है, मतलब 14 तारीख तक है, तो 10 दिन जो अभी लॉकडाउन रह गया है उसमें देखते हैं, मतलब कि अब देखो उतने, देखिए जो 21 दिन का पूरा लॉकडाउन था उसमें इतने हो चुके हैं। आज आज है 4 तारीख और 4 अप्रैल को देखते हैं 9 AM सुबह मॉर्निंग की बात की जा रही है, वो PM था, शाम की बात की जा रही थी, ठीक है ना, 3 तारीख की शाम की बात की जा रही थी, शाम तक इतने केस थे। और शाम के बाद देख सकते हैं कि 9 AM को अपडेट हुआ है ये, और देखिए यहाँ दिखा रहा है कि 4 4, मतलब कि 4 अप्रैल आज की बात करने वाला हूँ, टोटल कितने थे भाई वहाँ, कितने थे जो केस थे, जो केस थे वो थे 2547, लेकिन अब कितने हो गए भाई 2902, आप लगा सकते हैं 2902 थे आज हो गए हैं, 2547 कल थे, तो लगा सकते हैं कि आपको अंदाजा कितना होगा, लगभग 30, मतलब कि 380 प्लस कुछ कुछ आ चुके हैं। और यहां कल केस आए थे 163, लेकिन आज जो केस आए हैं रात पूरी रात में, मतलब कि 6 बजे से कल शाम 6 बजे से 9 बजे तक की बात कर रहा हूं, तो जो आए हैं वो आए हैं 184 केस। साथ ही साथ डेथ की बात करूं, टोटल डेथ की बात करूं तो देखिए जो हमारे थे वो 62 थे, और कितने 6 डेथ हो चुकी है, मतलब कि 12 घंटे के अंदर 6 लोग मर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, पूरी अपडेट दिखाने वाला हूं। महाराष्ट्र में बात करूं जो केस थे वो देख लीजिए, 300 कुछ थे, आज 423 हो चुके हैं, साथ में 42 केस आए हैं नाइट में, और सुबह देखिए 19 की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ तमिलनाडु की बात करूं तो 401, और देखिए हमारे 72 थे, देखिए उत्तर प्रदेश में कितने थे 72 केस थे, कितने थे 72, 72 थे, 172, लेकिन अब कितने 2 केस एक्चुअली प्लस हो गए, तो 2 की मृत्यु हो चुकी है, 2 तो पहले ही के थे, ठीक है ना। तो यहां 18 थे 1, मतलब कि यहां कितने 2 प्लस हुए हैं नाइट में, मतलब कि 24 घंटे के अंदर 2 प्लस हुए हैं, ठीक है ना। तो ये थी पूरी जानकारी, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मेरे हिसाब आपको बताइए कि आपके एग्ज़ाम कब होने वाले होंगे या नहीं, इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं, ठीक है ना। देखिए क्योंकि आपको खुद पता चल रहा है कि कितने केस कितने दिन में आ रहे हैं, तो कैसे हो सकता है एग्ज़ाम। और हर आपकी साइट आगरा यूनिवर्सिटी ने यह भी कह दिया कि भाई घर बैठो पढ़ो, ज़रूरत नहीं है भाई एग्ज़ाम देने की, समझ लो पढ़ने, ठीक है ना, घर बैठे पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो उन्होंने सब कुछ आपकी व्यवस्था भी कर दी, कोई दिक्कत ना। अब एनी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, टाटा।